आज का हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट है, जिसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जब तैयार करेंगे तो जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी एक प्रकार का फॉर्मेट होता है, जिसके अनुसार हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेनली इसके खर्चों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है स्टैंडिंग चार्जेज और दूसरा भाग होता है वेरिएबल चार्जेज। तो यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का जो हम फॉर्मेट तैयार करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में किस प्रकार से हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और उसको हम इसी फॉर्मेट के हिसाब से सवाल अपना तैयार करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में यहां पर बेस पीरियड लिखेंगे, जितने समय का हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी उतने समय के लिए हम यहां पर टाइम पीरियड लिखेंगे। ये टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान देने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर लिखा जाएगा इफेक्टिव किलोमीटर, ये पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, माइलेज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन किलोमीटर में भी दी हो और माइलेज में भी दी हो, कुछ भी दिया हो सकता है, यानी किलोमीटर या माइल्स या टन किलोमीटर, जिस प्रकार के इंफॉर्मेशन जितने दिन की दी होगी उतने दिन के यहां पर इफेक्टिव किलोमीटर या टन किलोमीटर लिखेंगे। और इस तरफ लेफ्ट साइड में बेस पीरियड भी उतने ही दिन का होगा, यानी जितने दिन का ये बेस पीरियड होगा उतने दिन का इफेक्टिव किलोमीटर भी होना चाहिए। इसके बाद इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट जरूर समझ में आ जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि ये फॉर्मेट एक प्रकार का इस चैप्टर की जान है, यह भी मान लीजिए। यदि यहां पर हमने वन ईयर लिखा है तो यहां पर एनम शब्द का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि हमने यहां पर वन मंथ लिखा है तो यहां पर मंथ लिखेंगे। और यहां पर किलोमीटर, अगर यहां पर किलोमीटर है तो आप यहां पर किलोमीटर लिखेंगे। यदि यहां पर मतलब माइलेज लिखा हुआ है, माइल्स लिखा हुआ है, तो यहां पर माइल होगा। यदि यहां पर टन किलोमीटर है तो यहां पर टन किलोमीटर होगा। और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। यहां पर जब खर्चों की बात आती है तो खर्चों में सबसे पहले पार्ट में हम स्टैंडिंग चार्जेज को लिखेंगे। स्टैंडिंग चार्जेज उन तमाम खर्चों को कहते हैं जो फिक्स होते हैं, जो बदलते नहीं हैं, स्थिर होते हैं, उन्हीं खर्चों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के स्टैंडिंग चार्जेज की हेडिंग में लिखते हैं। अब इन खर्चों में मुख्य तौर पर खर्चे कौन से होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट की लाइन में इसमें लिखते हैं, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें मोस्टली ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी, ट्रक, बस, सिनेमा हॉल, ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। जैसे सिनेमा हॉल है तो प्रति सीट का क्या चार्ज होगा, यदि ट्रक चला रहा है अगर कोई ट्रांसपोर्टर तो वह प्रति टन किलोमीटर क्या चार्ज करेगा, उसकी कॉस्टिंग करते हैं। पूरी कॉस्ट अकाउंट में हम सिर्फ कॉस्टिंग ही करते हैं, प्रति व्यक्ति, प्रति वस्तु और प्रति यूनिट, प्रति टन, प्रति आवर, प्रति किलोग्राम, मतलब हर एक प्रकार की जो भी कॉस्टिंग होती है पर यूनिट के हिसाब से चलती है। बात करेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेज की।
स्टैंडिंग चार्जेज में सबसे पहला खर्चा जो होता है वो मैनेजर सैलरी। इन खर्चों को आप मुख्य तौर पर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपका सवाल बन जाएगा, इससे आपको पता रहेगा स्टैंडिंग चार्जेज कौन से होते हैं और कौन से वेरिएबल चार्जेज होते हैं। मैनेजर सैलरी, अगर ये मैनेजर सैलरी हमारे पास जो पीरियड यहाँ पर लिखा है 1 ईयर अगर है तो ये सारे खर्चे 1 ईयर के डाले जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर ड्राइवर सैलरी है, क्लीनर या कंडक्टर, जो क्लीनर होता है क्लीनर या कंडक्टर सैलरी, ये लोग ट्रक पे काम करते हैं, कंडक्टर्स सैलरी एक या दो मात्रा में अधिक भी हो सकते हैं, हर ट्रक में अलग अलग होता है, बसों में भी होते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन, जो कि संपत्तियों पर काटा जाता है, तो ट्रक या बस या टैक्सी जो भी होता है इन सब में भी काटा जाता है, चार्ज होता है। जिस जगह गाड़ी खड़ी करते हैं उसका गैरेज रेंट, यह भी फिक्स होता है। रोड लाइसेंस, ये सरकार से परमिशन लेनी होती है, यह भी फिक्स होता है 1 साल के लिए। रेट्स एंड टैक्सेज, रेट्स एंड टैक्सेज, कुछ प्रमुख खर्चों को हम यहाँ पर लिखेंगे जिसको आप याद रखेंगे। मोस्टली इनका यूज हम सवाल में अधिक मात्रा में करते हैं। इंटरेस्ट, यह भी फिक्स होता है। इंश्योरेंस अगला खर्चा है, यह भी फिक्स होता है। इस मतलब फॉर्मेट को जब हम बनाएंगे तो इस फॉर्मेट के बाद एक प्रॉब्लम भी हम लेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सुपरविजन के बाद है ओवरहेड्स, इसके बाद है अकाउंटेंट सैलरी, ये मतलब नॉर्मल खर्चे हैं जो सवाल में दिए ही होते हैं लगभग लगभग। मैकेनिक सैलरी, जो मैकेनिक लोग होते हैं इनकी सैलरी होती है मैकेनिक सैलरी, ट्रक वगैरह की जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो इनकी भी फिक्स होती है, या ट्रांसपोर्ट का अपना मैकेनिक रहता है। तो इन सभी खर्चों को जो स्टैंडिंग चार्जेज हैं इनका हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज, इस तरह से लिखेंगे टोटल करेंगे। इसके बाद अगले खर्चे का नंबर आता है हमारा वेरिएबल चार्जेज, वेरिएबल चार्जेज, वेरिएबल चार्जेज को हम वही खर्चे बोलते हैं जो खर्चे फिक्स नहीं होते बल्कि यूनिट या माइल्स के हिसाब से बदल जाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख खर्चे हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, रिपेयर और ऑयल, कोल, कोयला जिसे बोलते हैं, ये खर्चे होते हैं। इनको भी हम 1 साल का लिखते हैं। यदि ये इन्फॉर्मेशन 1 माइल या 1 किलोमीटर की होती है तो हम इनको यहां लिखते हैं डायरेक्ट इस तरफ। इसके बाद इसका हम टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद यहां लिखेंगे टोटल वेरिएबल चार्जेज, वेरिएबल चार्जेज का टोटल करने के बाद यहां पर लिखेंगे, ये जो वेरिएबल चार्जेज है ये ध्यान देंगे जब हम स्टैंडिंग चार्जेज करेंगे यहां पर टोटल, तो ये हमारा ए पार्ट होता है और ये जो हमारा वेरिएबल चार्ज का टोटल होगा ये हमारा बी पार्ट होगा। टोटल ऑपरेटिंग यहां पर लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज, ऑपरेटिंग चार्जेज जब होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का हम टोटल यहां करेंगे। यहां करने के बाद यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग चार्जेज पर किलोमीटर, ऑपरेटिंग चार्जेज या ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के लिए ये जो खर्चा हमारा ए और बी का यानी स्टैंडिंग का वेरिएबल का प्राप्त हुआ है इन दोनों को जोड़ करके यहां पर यहां लिखेंगे, लिखने के बाद इसको यहां लिख करके डिवाइड करेंगे यहां इफेक्टिव किलोमीटर से,
इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक माइल्स या एक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कॉस्ट का पता आसानी से चल जाएगा। यहां पर हम दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे टोटल स्टैंडिंग चार्जेज यहां पर है तो यहां पर स्टैंडिंग चार्जेज पर किलोमीटर भी लिख करके इसको हम इफेक्टिव किलोमीटर से उससे डिवाइड करके यहां लिख सकते हैं, और इस वेरिएबल चार्जेज को जो टोटल यहां किया गया है इसको भी यहां पर वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर लिख करके इसको भी इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करके यहां लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का टोटल स्टैंडिंग का और वेरिएबल का टोटल करके यहां पर टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज जो है पर किलोमीटर निकाल के लिख सकते हैं। यह इसका एक विशेष प्रकार का फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आप एक बार प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, इसके बाद तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब हम इसी पर आधारित एक प्रॉब्लम लेंगे जिसको आप स्क्रीन पर अभी ध्यान से देखेंगे, और वह प्रॉब्लम कौन सी होगी और वह आपके सामने हम स्क्रीन पर उसको दिखाएंगे भी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको अच्छी तरह से हम बताएंगे। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सवाल है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो थ्योरी है, और उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ए व्हीकल। यहाँ पर एक गाड़ी है, इस गाड़ी की जो वैल्यू है कॉस्ट है 15,000 है, 15,000। रोड लाइसेंस पर ईयर दिया हुआ है यहाँ पर 500 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेज पर ईयर 100। गैरेज रेंट पर ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। तमाम ये खर्चे लिखे हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ पढ़ के आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। आप बने रहिए अंत तक और ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखिए, इसके अलावा भी हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको भी आप आसानी से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर इसका कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो अच्छा होना चाहिए। इस तरह से कॉस्ट शीट हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, और इसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब फॉर्मेट बनेगा तो इस साइड में लेफ्ट साइड में आप बेस पीरियड जरूर लिखिए, यहां पर लिखिए बेस पीरियड, और इस तरफ लिखिए इफेक्टिव किलोमीटर या माइल्स। फिलहाल इस सवाल में तो किलोमीटर लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटरेज 6,000, 6,000 किलोमीटर यहां पर यह गाड़ी जो है चलती है, और इसकी जो लाइफ है वह 1.5 लाख किलोमीटर है। टायर का जो खर्चा है वो 20 पैसे प्रति किलोमीटर है। किलोमीटर पर लीटर गाड़ी का एवरेज 8 किलोमीटर प्रति किलो लीटर का है, जो 1 लीटर अगर डीजल या पेट्रोल जो भी लगता है इसके पास इस गाड़ी में, वह 8 किलोमीटर चलने के बाद 1 लीटर पेट्रोल लगता है। ड्राइवर की सैलरी पर मंथ दिया हुआ है, तो यहां पर समझने की जो स्टार्टिंग है वो है यहां पर किलोमीटर और टाइम से। तो यहां पर एनुअल किलोमीटर का समय दिया है 1 साल का समय, और 1 साल का जो किलोमीटर है वो 6,000 यानी 6,000 का है। तो यहां पर जब हम बेस पीरियड लिखेंगे तो 1 ईयर लिखेंगे, और यहां पर इफेक्टिव किलोमीटर जो लिखेंगे वो 6,000 यानी 6,000 लिखेंगे। ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम यहां पर अगले पार्ट में जब चलते हैं तो अगले पार्ट में हमें यहां पर वही समय लिखना होता है जो हमारे पास यहां पर लिखा होता है। अगर समय यहां पर 1 ईयर लिखा है तो हम यहां पर एनम शब्द लिखेंगे या पर ईयर। इसके बाद इस तरफ पर किलोमीटर, अगर यहां इफेक्टिव किलोमीटर लिखा है किलोमीटर में है तो यहां पर किलोमीटर, अगर माइलेज में है तो माइलेज यानी कि पर माइल होगा। फिलहाल इसमें किलोमीटर है तो किलोमीटर पर ध्यान देंगे। पहला खर्चा स्टैंडिंग चार्जेज का फर्स्ट पार्ट होता है। स्टैंडिंग चार्जेज में हम उन खर्चों को शामिल करते हैं जो खर्चे कभी बदलते नहीं है, फिक्स होते हैं, और यहां पर ध्यान देंगे
तो यहाँ पर गाड़ी की जो कीमत है वो 15,000 है। उसके बाद रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, ड्राइवर वेजेज, ये हमारे चार खर्चे हैं जो कि एक साल के दिए हैं। और ये ड्राइवर वेजेज पर मंथ है, इसको एक साल बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो खर्चा नंबर वन, सबसे पहले रोड लाइसेंस। रोड लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो अमाउंट है वो हमने आपको दिखाया था, ये 500 है। इसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की कीमत भी एक साल की 100 रुपए है। गैरेज रेंट, यह भी एक साल का दिया गया है। गैरेज रेंट इसकी रकम है 600, एक साल का यह भी हमारे सामने दिया गया है। इसके बाद है ड्राइवर वेजेज, ड्राइवर वेजेज या ड्राइवर की सैलरी 200 रुपए महीना है, तो 200 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 यानी 2400 हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन अगला खर्चा है। डेप्रिसिएशन गाड़ी के ऊपर लगता है, यानी जो हमारे पास व्हीकल होगा उसी पर चार्ज होगा। इस बात को ध्यान देंगे, व्हीकल चार्जेज यहाँ पर जो व्हीकल की गाड़ी है, मतलब जो गाड़ी है इनके पास, वो 15,000 की कीमत का है और इसकी लाइफ 1.5 लाख किलोमीटर है, यानी 1,50,000 किलोमीटर। इसमें से हमें ओनली 6,000 किलोमीटर का खर्चा चाहिए। तो इसका जो गाड़ी की कीमत है यानी 15,000 है, तो 15,000 को 1.5 लाख से पहले डिवाइड करेंगे, जिससे हमें एक साल का जो है, एक किलोमीटर का बल्कि, हमें डेप्रिसिएशन का पता चल जाए। फिर इसकी मल्टीप्लाई 6,000 में करेंगे तो 6,000 किलोमीटर का भी हमें खर्चा पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमें 600 रुपए प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से हमारा स्टैंडिंग चार्जेज का जो टोटल है वो यहां पर होगा, यहां पर इसका जो टोटल है, इसका टोटल टोटल करेंगे तो हम देखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेज क्या है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज ये ए पार्ट होगा, यहां पर देखेंगे 4200 रुपए टोटल चार्जेज बैठते हैं स्टैंडिंग के, इनका टोटल 4200 रुपए है। इसके बाद यहां पर लिख सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेज पर किलोमीटर, स्टैंडिंग चार्जेज पर किलोमीटर 4200 यानी 4200 रुपए को 6000 जो हमारे पास इफेक्टिव किलोमीटर है यहां पर, इससे डिवाइड करेंगे इस 4200 को, तो यहां पर 70 पैसे यानी 70 पैसे पर किलोमीटर स्टैंडिंग चार्जेज हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम यहां पर वेरिएबल चार्जेज लिखेंगे। वेरिएबल चार्जेज में उन खर्चों को शामिल किया जाता है जो खर्चे कभी 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 बदलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं बदलते, बहुत लंबे समय पर चेंज होते हैं अगर होते हैं तो, नहीं तो ये किलोमीटर या यूनिट के हिसाब से इनकी परिवर्तनशीलता जो है कंटिन्यू जारी रहती है, परंतु जो भी परिवर्तन इसमें होता काफी लंबे समय के बाद होता है। तो ऐसा माना जाता है कि वेरिएबल चार्जेज में उन खर्चों को रखा गया है जो मोस्टली परिवर्तित होते हैं, जिनके खर्चों का फिक्स अमाउंट कभी रखा नहीं गया होता है। ये नहीं कहा जाता है कि यह रकम पार्टिकुलर फिक्स है, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल कभी फिक्स नहीं होता है। अगर हम अपनी गाड़ी की बात करें, अपने स्कूटर की या अपने बाइक की, अपने कार की, तो इनमें भी पेट्रोल या डीजल कभी फिक्स नहीं होता है। कहीं डिवाइडर पर खड़े हो गए वहीं फूंक जाएगा, आधा आधा लीटर पेट्रोल जाम में फंस गए। तो इस प्रकार से मान लो कहीं भी होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर रोक होता है और इंजन स्टार्ट रहता है, तो वहां पर हमारे पेट्रोल हो या डीजल हो, इनकी खपत ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये साफ है कि इन इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो कभी स्थायी तौर पर फिक्स नहीं होते हैं। इन्हीं खर्चों को वेरिएबल चार्जेस की श्रेणी में रखा गया है। पेट्रोल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल के बारे में कहा गया है, गाड़ी जो चल रही है यहाँ पर 6,000 किलोमीटर चलती है एक साल में, लेकिन इस गाड़ी का जो सिस्टम है
उसके मुताबिक उन्होंने एवरेज दिया है। इन्होंने कहा यदि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं 8 किलोमीटर चलाएंगे तो 1 लीटर पेट्रोल की खपत होगी, और गाड़ी ये 6000 किलोमीटर चलेगी तो कितने लीटर पेट्रोल की खपत होगी। इसके लिए यहाँ पर 6000 को पहले 8000 से यानी 8 से डिवाइड करेंगे, जिससे पेट्रोल का पता लग जाएगा कितना लीटर लगेगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाईकेशन 80 पैसे यानी 80 पैसे से करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेट्रोल की खपत एक साल में कितनी हो सकती है। इसके बाद अगला खर्चा आता है टायर का। टायर यहां पर लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट चार्जेज फॉर टायर एंड मेंटेनेंस 20 पैसे प्रति किलोमीटर है, और हमारी यहां पर जो व्हीकल है गाड़ी वो 6000 किलोमीटर चली है, इसको 20 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 रुपये प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास और कोई वेरिएबल चार्जेज नहीं बचा है। वेरिएबल चार्जेज का टोटल 1800 रुपये यानी 1800 प्राप्त होता है। तो अब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेरिएबल चार्जेज। वेरिएबल चार्जेज ये पार्ट बी है, यहां पर लिखेंगे वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर। वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर इस 1800 को हम उसी से डिवाइड करेंगे जो हमारा एक साल का इफेक्टिव किलोमीटर है। एक साल का इफेक्टिव किलोमीटर 6000 है, इसे डिवाइड करने पर यहां पर 0.3 यानी 30 पैसे प्राप्त होते हैं, और फिर यहां पर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर ध्यान देंगे यहां पर दोनों खर्चों को जोड़ लेंगे, 70 पैसे और 30 पैसे जोड़ने पर 1 रुपया प्राप्त होता है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर प्राप्त हो गया। इसको दिखाने के लिए मान लीजिए अगर हमने स्टैंडिंग चार्जेज पर किलोमीटर यहां नहीं निकाला है और यहां पर वेरिएबल चार्जेज पर किलोमीटर नहीं निकाला है, तो हम 4200 को यानी 4200 को और 1800 को दोनों को यहां पर जोड़ लेंगे, जोड़ करके डिवाइड कर देंगे उसको 6000 से, तब भी हमें 1 रुपया ही प्राप्त होगा। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन संभव हुई। इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप इसको रिपीट करके स्टार्टिंग से समझिएगा और अपने आप बनाने की कोशिश करिएगा। समझ में यदि कम आए या कोई प्रॉब्लम नजर आए तो आप अपने कमेंट में इसकी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट की एक प्रॉब्लम और लेकर आ रहे हैं तुरंत। यह हमारा पहला पार्ट होगा तो दूसरा भी तुरंत प्रकाशित होगा।